नमस्कार दोस्तों, और फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ई प्रबंधन गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, जो कि MBA के स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट कोर्स डेवलप किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो MBA के हैं और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। पिछली दो वीडियोस में हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उनको हम लोगों ने देखा। अगर आपने पिछली दो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन जो लगा हुआ है वहाँ से वीडियोज़ देख लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एंड देन उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। सो आज का वीडियो जो बेसिकली है वो एक डिफरेंस पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एज वेल एज इन डिजिटल मार्केटिंग। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंस, और वो भी ट्रेडिशनल और अपने डिजिटल मार्केटिंग में, सो कुछ ऐसे बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बेस मानते हुए इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो है रीच। जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है वो पूरी तरह से प्रिंट मीडिया पर या टेलीविज़न पर या बिलबोर्ड्स जो होते हैं उन पर बेस्ड होता है, लेकिन इसकी एक माइनस पॉइंट ये है कि इसका जो रीच है यानी कवरेज एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। सपोज़ अगर हम अपना एक ऐड दे रहे हैं एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, तो वो न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा। इसके अपोजिट अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग है ये सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा बेस्ड होता है। तो इसकी वजह से इसका रीच जो होता है वो ग्लोबल होता है, यानी अगर आपका एक पर्टिकुलर वेबसाइट है वो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में एक्सेसिबल है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट का जो हमारा मार्केट है, जो मार्केटिंग है, वो बिल्कुल लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है। दूसरा, एक दूसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेटिंग। जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है, टारगेट इन द सेंस कि हमारे पास हमारा जो कस्टमर है वो कौन होगा, हमारा कस्टमर बेस जो होता है वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का केस अगर हम देखें, सो वहाँ पर हम अपने जो बिजनेस है, जो अपने कस्टमर हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं, यानी हमारे पास एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी में एक स्पेसिफिक टाइप का एक सेगमेंट पॉसिबल है, बट इन द केस ऑफ ओनली इन डिजिटल मार्केटिंग, नॉट इन ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो ये दो पॉइंट हुए, पहला रीच और दूसरा टारगेटिंग। एक और आप लोगों को बताना है बात कि ये जो भी हम आपको ये लेक्चर नोट्स जो हैं जिन पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो सारे नोट्स लेक्चर वाइज आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अगर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की थी तो उसका नोट्स उसके वीडियो में, कल वाला वीडियो जो था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आज जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस कर रहे हैं, सो उसका नोट्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कॉस्ट। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो वहाँ पर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इनकर्ड होती है ऑन द मार्केटिंग। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल के अपोजिट में डिजिटल मार्केटिंग में, सो यहाँ पर कॉस्ट एज पर कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ही कम होती है, और वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो पूरी तरह से बेस्ड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न पे, और टेलीविज़न पे जो आपका ऐड होता है उसको ऐड देने का जो पैसा है वो बहुत हाई होता है, जबकि कॉस्ट अगर हम देखें अपने इस डिजिटल मार्केटिंग में सो बहुत लेस होता है। अगर हम एक सिंपल से चीज़ की, एक सिंपल से प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करते हैं थ्रू द गूगल एड्स, तो उसमें केवल और केवल शायद कुछ रुपए, शायद एक या दो रुपए मिलियंस में हम उनको पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं तीसरा, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा है मिजरेबिलिटी।
हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम करते हैं उसको मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल भी है तो वो एक ग्रेट एफर्ट के थ्रू पॉसिबल है। और चौथी बात, वो जो पॉसिबिलिटी है मेजरेबिलिटी की, वो उसमें टाइम टेकिंग है, यानी अगर आज मैंने कोई एफर्ट किया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सो उसका मेजरमेंट हमको करने के लिए कुछ समय चाहिए कि आखिर ये जो हमने एफर्ट किया उसका रिजल्ट क्या आया, उसको नापने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। बट इन द डिजिटल मार्केटिंग विद इन फ्यू क्लिक्स हम उस पूरे ऐड की मेजरेबिलिटी नाप सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव रहा, कितना एफिशिएंट रहा, इसका कवरेज कितना रहा, इसका रीच कितना रहा, और या फिर सिंपल बात करें इसकी कॉस्ट कितनी रही। एक और पॉइंट है जो शायद हम लोगों का लास्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इतने सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी हम बात कह नहीं सकते हैं, तो वो सारे अपोजिट हो जाएंगे ट्रेडिशनल में। फिर भी हम बात करते हैं एक अगले पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिविटी। कितना ज़्यादा कस्टमर हमसे इंटरेक्ट है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो कभी भी कस्टमर हमारा हमसे मार्केटिंग के ड्यूरेशन में इंटरेक्ट इतना आसानी से नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चूँकि हम पूरी तरह से जुड़े होते हैं वेबसाइट से, वीडियोस के थ्रू, ऑडियोस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सो कस्टमर हमसे पूरी तरह से इंटरेक्ट रहता है। सो ये कुछ पॉइंट्स रहे जिनके बेसिस पर हमने डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आपस में कंपेयर किया। साथ साथ में आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कुछ जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने कंपेयर किए हैं वो लिखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, इस पूरे वीडियो को एक टेबुलर फॉर्मेट में हम लोगों ने दे दिया है, और वो टेबल फॉर्मेट आप सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे। और अगर आपको यहाँ पर वो प्योर विजिबिलिटी ना हो रही हो तो नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली डिफरेंस था ट्रेडिशनल एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।